हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और आप सभी फर्स्ट शिफ्ट में अपना एग्जाम बहुत अच्छे से दिए हैं। यूजीसी नेट जून री एग्जाम हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम पेपर कैसा आया था एंड समझते हैं पैटर्न को। सबसे पहली बात, क्वेश्चन जो आया था वो आपका मॉडरेट लेवल का आया था। दूसरी बात, जो डाटा इंटरप्रिटेशन की क्वेश्चन पूछी गई है वो नॉर्मल थी, वो लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट से बन गया, उसमें बहुत ज्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। नंबर टू, एसर्शन रीजन के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, क्रोनोलॉजी से कई सारे क्वेश्चन थे। दूसरी बात, क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल नहीं होते, फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला। इसके साथ साथ अगर हम बात करें स्पेशली तो बुक्स एंड ऑथर्स से मैच करने के लिए क्वेश्चन काफी सारे पूछे गए थे। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी से एक्टिस्ट पॉलिसी सिमला एग्रीमेंट, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडो यूएस एग्रीमेंट, इससे क्वेश्चन आए थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एमपी फॉलेट की जो कॉन्सेप्ट्स है, उनकी जो बुक्स हैं, उनसे क्वेश्चन आए थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्चुअल कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए थे और उनसे थिंकर के नाम दिए गए थे, तो उनसे आपके मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो लॉक, जे एस मिल, ये इनके जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनसे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद एक और इंटरनेशनल रिलेशन से इनसाइड आउट थ्योरी, आउटसाइड इन थ्योरी, स्ट्रक्चरलिज्म, ये किनसे एसोसिएटेड है ये पूछा गया है। इसके साथ साथ अगर हम देखा जाए तो चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन था, वहाँ पे जो इंटरनल कम्युनिज्म है उससे रिलेटेड कि वो कैसा है। इसके बाद अगर हम देखा जाए तो क्वेश्चन के जो लेवल थे वो बहुत ज़्यादा अजनबी टाइप के नहीं थे, दैट मीन्स कि क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल आप कह सकते हैं। सो बिल्कुल भी आप सभी जो जिनका भी एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में है वो कंसंट्रेशन के साथ अपने एग्जाम को दें विदाउट एनी टेंशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमेशा अपने प्रेजेंट क्वेश्चन को पढ़े और आगे बढ़े, उसे अच्छे से पढ़ के अपना अटेम्प्ट करें। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन को रिव्यू जरूर कर ले, दैट मीन्स कि आंसर करने के बाद फिर से एक बार क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर में पढ़ के और आंसर करें। उम्मीद है आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।